प्यारे बच्चों, आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है नीट 2024 में हुए स्कैम को लेकर। बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं, रीनीट होगा या नहीं होगा। आइए एक बार हम समझ लेते हैं कि केंद्र सरकार यानी कि मोदी गवर्नमेंट और एनटीए क्या रीनीट एग्ज़ाम कराना चाहते हैं, क्योंकि जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बनी रहेंगी। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है, अथॉरिटी है कि वह किसी भी एग्ज़ाम को दोबारा कंडक्ट करा सकता है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार का भी योगदान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करता है। जब बात बच्चों की आती है कि आखिर उसका अपना पर्सनल क्या ओपिनियन है, वो किसका स्टैंड ले रहा है, वो एनटीए को सपोर्ट कर रहा है या फिर वो जो भारत के भविष्य के डॉक्टर्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। आप सबको पता चल गया होगा कि कल एनटीए ने अपना एक पूरा जो डिटेल था वह सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दिया था। तो उस डिटेल में भारत सरकार ने और एनटीए ने क्या कहा है, आइए एक आर्टिकल के माध्यम से हम समझते हैं। इसमें बहुत क्लियर लिखा है, नीट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में नकारी धांधली। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार अपने पूरे स्टैंड्स क्लियर करे, साथ ही साथ जो एडवोकेट्स की कमेटी थी जो अलग अलग केसेस थे, तो उन्होंने कहा था कि जितने भी एडवोकेट्स रीनीट चाहते हैं वो 10 पेजेस का एक कंप्लीट डिटेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दें। तो उसी बेस पे केंद्र सरकार ने और एनटीए ने बहुत क्लियर बोला है कि रीनीट एग्ज़ाम होने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि नीट एग्ज़ाम में कोई भी गलती, गड़बड़ी या धोखाधड़ी नहीं हुई है। ये अपना स्टैंड दिया है भारत सरकार ने और एनटीए ने, ठीक है, आप पूरा पढ़ लीजिए। एनटीए ने ये भी कहा कि पेपर लीक का जो वीडियो है वह फर्जी है जो कोर्ट में दिया गया था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब अंतिम निर्णय अब से कुछ ही घंटों के बाद में भी 2:50 तक आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट से कि रीनीट होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें हम एनटीए और भारत सरकार ने, तो उसने सभी बच्चों को झूठा करार दिया है, सभी एविडेंसेस को झूठा करार दिया है अपने हलफनामा में, और जो वीडियोस वायरल हुई उन वीडियोस को भी फेक वीडियोस की कैटेगरी में रखकर उन बातों की भी वैल्यू नहीं की है, ठीक है। अब बच्चे झूठे हैं, केस झूठा है, क्या सीबीआई झूठी है, क्या बिहार गवर्नमेंट झूठा है, या बिहार पुलिस झूठा है, या महाराष्ट्र पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जहां पर गैंग्स पकड़े गए हैं, जहां पर मेंबर्स पकड़े गए हैं, क्या वो सब भी झूठे हैं, क्या उन पॉइंट्स को सुप्रीम कोर्ट जो है प्रायोरिटी देगा, या फिर केंद्र सरकार और एनटीए को ही बेस मानकर बच्चों को जो है रीनीट के लिए नहीं टाइम मिलेगा। काफ़ी कुछ देखना दिलचस्प है। इस पूरे ही टॉपिक पे आपका क्या ओपिनियन है, आप सभी अपने कमेंट्स हमें दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।